Hey guys, welcome to my new blog. तो आज हम जा रहे हैं परसदेपुर. एक्चुअली आज नेहा को लेने जाना है और साथ में भांजा भी मेरा आ जाएगा. तो अभी हम चल रहे हैं लखनऊ प्रयागराज हाईवे पे और आज मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी है विकास. तो सब लोग जा रहे हैं और आज के इस ब्लॉग में आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं. तो अभी हम पहुंच चुके हैं रायबरेली के आगे और इस टाइम चल रहे हैं रायबरेली परसदेपुर रोड पे और बूढ़ा बाजार के आगे आए हुए हैं. तो अभी हम एक जगह पे रुके हुए हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं. तो चलते हैं, अभी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं. तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं परसदेपुर और यहाँ पे देखो रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई है और यहाँ के जो रास्ते हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत हैं, देख लीजिए. अभी हम पहुंच चुके हैं मटियारवा चौराहा, अब चलते हैं नेहा के घर. तो गाइस अभी हम आए हुए हैं मंगापुर के पास. एक्चुअली फ्रेंड के मामा का घर है तो ये भी सोचे कि चलो घूम लेते हैं मामा के घर. तो देख सकते हैं कि इधर के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं, वाव, और मौसम भी बड़ा प्यारा है. और यहाँ पे देखो सामने कितना बढ़िया धान का खेत लग रहा है ना.
तो अभी इस टाइम हम चल रहे हैं परसदेपुर रोड पे, और ये सलवन से जैस के लिए जाती है। तो बस पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर में नेहा के घर। अभी हम अपने भांजे को और अपनी बहना को लेकर चल रहे हैं वापस यहाँ से। अभी हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं परसदेपुर से, और नेहा भी आ चुकी है साथ, और भांजा भी मेरा साथ आ गया है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखें, और ये ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर आप हमारे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।